कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। तो गाइस आज है संडे, तो आज हम लोग एक स्पेशल जगह पे आ चुके हैं। वो अभी हम दिखाने वाले हैं कौन सा जगह है, और ये जगह का बहुत ही इम्पोर्टेंस था, बट अब एक तरह से एक खंडर बन चुका है। और यहाँ का एक अच्छा सा टूर देने वाले हैं आप लोगों को, और दिखाने वाले हैं ये जगह की खूबसूरत, वो नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी खूबसूरत है। और अभी यहाँ पे जगह के सिवा सिर्फ खंडर बच चुका है यहाँ पे, और हम चलिए हम दिखाने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा, ये जो कि आपको मुजफ्फरपुर हाईवे पे NH 722 है ना, NH 722 पे आता है। और गाइज ये एयरपोर्ट भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए बनवाया गया था, जो कि उनके आवागमन के लिए बनाया गया था, जो 1967 से 1982 तक चलन में रहा, उसके बाद ये बंद हो चुका। फ्रेंड्स, इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा 410 एकड़ जमीन की मांग की गई है इस एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए, और उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया ने श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और बोला है कि 410 एकड़ ज़मीन का उपलब्धता कराया जाए। बट हम लोग को, मुजफ्फरपुर वासियों को लगता है कि ये सिर्फ कागज़ पे ही रह जाएगा, और शायद हम लोग को ये फिर से पता ही हवाई अड्डा देखने को ना मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि सबको एक अच्छे एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम लोग मुजफ्फरपुर वाले वासियों को भी एक एयरपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अब खास हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता है। और जैसे कि घर के पास एयरपोर्ट रहता है तो सुविधा भी होती है, लेकिन अब वो नहीं है और ना होने वाला हम लोग को, जैसे कि मुजफ्फरपुर वासियों को लग रहा है। तो गाइज, जैसा कि मानसून ने अभी आपको बताया, ये तो रही मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की जो हिस्टोरिकल जो बातें थी वो आपको हिमांशु ने बताया, और जो भी प्रेजेंट लोकेशन आप देख सकते हो, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, एयरपोर्ट के जो पहले के ऑफिसेज हैं वो कंट्रोल टावर पीछे आपको दिख रहा है, जो पहले थे वो उन्हें हम अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो अभी आपको हम दिखाते हैं और अच्छे से अंदर चल के। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ चुके हैं एक ऑफिस में, जो कि एक कार्यालय था और यहाँ से काम किया जाता था, बट वो अब खंडर बन चुका है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है देखने के लिए, सिर्फ मलबा ही मलबा है। ये देखिए, यहाँ पे एक ऑफिस है और यहाँ पे दूसरा ऑफिस आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, बस और कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो, ये मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट आज के दिनों में, जैसे आप देख सकते हो कि ये खेल का मैदान बन चुका है, और यहाँ पे कोई प्लेन तो लैंड या टेक ऑफ तो करता नहीं है, लेकिन बॉल जरूर लैंड करता है। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं फ्रेम में, पीछे आपको ये रनवे दिखेगा, एयरपोर्ट का रनवे है ये। और गाइज, यहाँ पे आपको ना बस कोई प्लेन या कोई हेलीकॉप्टर तो लैंड करते हुए दिखेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको जानवर दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको गाय भैंस और बकरियाँ वगैरह दिखेंगे आपको, जो टेक ऑफ या लैंड करते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए एक सीक्रेट है जो मैं अभी आपको बता दूँ, जैसा आप लोगों ने सुना होगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बंद हो चुका है, और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से कोई भी प्लेन ना तो टेक ऑफ करता है ना फिर लैंड करता है यहाँ पे। लेकिन सीक्रेट जो है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे अभी एक हम प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स, ये रहा पताही हवाई अड्डा का टूर जिसको हम लोगों ने आपको कराया, और इस बीच हम लोगों ने थोड़ा क्रिकेट भी खेला। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा